Yes, student, this side Devendra Vijay, your computer teacher, and we are doing lesson first. And in this chapter, we have done lesson worksheet 1 and 2, and almost complete chapter, only two sections, or we can say two part of this lesson are in remaining. They are voice recognition system and barcode reader. So let us start. स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर वी हैव बीन ऑलरेडी रीड अबाउट बायोमेट्रिक डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड, RFID डिवाइस एंड LCD प्रोजेक्टर, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर के अंदर वी हैव टू लर्न ओनली रिमेनिंग टू थिंग्स, फर्स्ट वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम एंड सेकेंड इज बार कोड सिस्टम। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, द वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम अलाउज ए यूजर टू यूज हिज और हर वॉइस एज इनपुट। दिस सिस्टम रिकॉग्नाइज द वॉइस एंड कन्वर्ट इन टू टेक्स्ट। Nowadays, our mobile is also a voice recognition system which can allow also convert our voice into text using Google input tool. So students, आजकल voice recognition system एक बहुत एक फैशनेबल चीज़ हो गई है। इसके अंदर क्या होता है कि मोबाइल या कंप्यूटर को हम जो कुछ भी बोलते हैं, मोबाइल या कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में यानी टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले अपने को कंप्यूटर को ट्रेनिंग देनी होती है। ट्रेनिंग देने के लिए किस तरह से देते हैं कि कंप्यूटर अपने को एक कोई सेंटेंस बताता है कि आप इसको बोल के बताइए, हम उसको बोलकर बताते हैं, कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करता है। वो रिकॉग्नाइज किससे करता है कि हर व्यक्ति की बोलने का तरीका लहजा अलग अलग होता है, तो जो उसके अंदर ऑलरेडी इनपुट है वो उसको समझ जाता है कि इस सेंटेंस को आप इस तरह से बोलते हैं, वो उसे एक आइडिया लगा लेता है और समझ जाता है कि इस जो सामने वाला व्यक्ति है उसके बोलने का तरीका इस तरह से है, तो इस तरह से वो ट्रेनिंग लेकर वो ट्रेंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो भी सेंटेंस हम जो बोलते हैं, कुछ भी हम जो बोलते हैं, कंप्यूटर उसको समझ जाता है और वो उसको वैसा का वैसा ही टाइप कर देता है। बारकोड रीडर, ये बारकोड रीडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज एबल टू स्कैन एंड डीकोड बारकोड्स। बारकोड आर्स वर्टिकल लाइन, ब्लैक एंड वाइट वर्टिकल लाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बारकोड स्कैनर एंड पॉइंट ऑफ सेल, जिसे POS भी बोलते हैं, स्कैनर। इट इज एन इनपुट डिवाइस। स्टूडेंट, इन बारकोड द फर्स्ट 3 डिजिट रिप्रेजेंट द कंट्री कोड, आफ्टर दैट 4 डिजिट रिप्रेजेंट द मैन्युफैक्चरर कोड, आफ्टर दैट 5 डिजिट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट कोड एंड लास्ट डिजिट द कंट्रोल कोड। लास्ट डिजिट रिप्रेजेंट द कंट्रोल कोड। स्टूडेंट, यू हैव परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट, यू सी ब्लैक एंड वाइट वर्टिकल लाइन्स, दिस इज कॉल्ड बार कोड ऑफ दैट प्रोडक्ट। ऑल्सो यू सी दैट बार कोड स्टार्ट विद 890, बार कोड स्टार्ट विद 890, हियर 890 रिप्रेजेंट द इंडिया कोड, मीन्स द प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया। ईच बार कोड हैव 95 लाइन्स, ये वर्टिकल लाइन्स होती हैं, ये टोटल 95 होती हैं, और दैट आर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, 42 ऑफ ईच साइड, ओके। और दीज 42 लाइन्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इन टू 6 पार्ट, और ईच लाइन इन ईच पार्ट 7 लाइन्स आर देयर, दे जनरेट द नंबर फ्रॉम 1 to 6। स्टूडेंट, वी हैव डन वर्कशीट 1 and 2, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट 3, दैट इज फिल इन द ब्लैंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डैश स्ट्रिप कार्ड द डाटा इज
परमानेंटली स्टोर्ड ऑन ए मैग्नेटिक स्ट्रिप. तो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है दैट इज मैग्नेटिक कार्ड. सेकेंड डैश रेफर टू द आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन ऑफ लिविंग पर्सन यूजिंग देयर फिजिकल करेक्टरिस्टिक दैट इज बायोमेट्रिक डिवाइस. तो बायोमेट्रिक रेफर टू द आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन. थर्ड वन एन डैश डिटेक्ट द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ ए मार्क इन ए स्पेसिफिक पोजिशन. तो दैट इज OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर. नाउ फोर्थ डैश कार्ड आर इंटेलिजेंट कार्ड विच हैव इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड मेमोरी स्टोरेज. तो स्मार्ट कार्ड आर इंटेलिजेंट कार्ड. यहाँ पर मैग्नेटिक इंक कार्ड नहीं आएगा. नाउ फोर्थ फिफ्थ डैश आर यूज व्हेन आउटपुट इज रिक्वायर्ड ऑन ए बिग स्क्रीन इंस्टेड ऑफ एन ए मॉनिटर दैट इज LCD. LCD इज रिक्वायर्ड टू व्हेन आउटपुट इज रिक्वायर्ड ऑन ए बिग स्क्रीन. नाउ सिक्स द डैश सिस्टम अलाउज ए यूजर टू यूज हिज और हर वॉइस एज इनपुट दैट इज वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम. नाउ सेवन एन डैश टैग हैज ए चिप इनबिल्ट मेमोरी एंड एन एंटीना. एंटीना जिसमें होता है दैट इज RFID टैग. नाउ वर्कशीट फोर मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए पेरीफिरल डिवाइस. तो पेरीफिरल डिवाइस आज एड ऑन्स ऑन द. तो दिस इज द आंसर इज एड ऑन मीन्स अटैच. Device attached to the computer in order to enhance its capability. Biometric device. So, biometric device refer to the verify identity of living person. That is E. Now, smart card. So, third smart card. Smart card intelligent card. So, answer is A. Intelligent card which have inbuilt electronic and memory storage. Now. LCD projector when output is required on a big screen that is G. Now MICR magnetic ink character reader. MICR means magnetic ink character reader. Answer is read special character printed in a standard font using ink containing iron oxide. Now OMR optical mark reader. OMR full form is ऑप्टिकल मार्क रीडर. और ऑप्टिकल मार्क रीडर डिटेक्ट यानी डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ ए मार्क इन ए स्पेसिफिक पोजिशन. आंसर इज डी. नाउ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जिसे मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड. सेवंथ दीज आर यूज व्हेन आउट सॉरी डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड ऑन ए चिप यानी आउटडेटेड ATM कार्ड आर मैग्नेटिक कार्ड. Now worksheet 5, answer in one word or one sentence. First question, printer, scanner, microphone fall under which type of device? That is peripheral device. Second, which device provides automated method for recognizing distinctive feature of action for an individual? That is biometric device. Third, which device throw a light beam on the document in which mark are made and analyze the reflected light to decide the mark position that is OMR optical mark reader. When LCD projectors are used when output is required on a big screen. Now question 5, which system allows a user to use his or her voice as input that is voice recognition system. Now write the full form of OMR optical mark reader, full form of MICR magnetic ink character reader and full form of RFID radio frequency identification device. So student, these were worksheet 3, 4, 5 and worksheet 3 and 4 you have to do at your home on tomorrow and worksheet 5 on next week you have to do. So at last student, you have to clean your mind, means you have to do yoga at your home, you have to follow social distance. एक दूसरे से भाई बहन से भी अपने को दूरी बना के रखनी है अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए. Wash your hand often, अक्सर आपको अपने हाथ धोते रहना चाहिए, धोते रहते रहना. Touch face, don't touch face को हाथ नहीं लगाना है. हाथ लगाते हैं
तो आपको फिर हैंड वॉश करना है, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय।